आज से कांडा महोत्सव स्टार्ट होगा। सबसे पहले कलश यात्रा निकलेगी आज सुबह। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो गाइस, आज मैं उठ गया हूँ बहुत जल्दी, 6:30 बज रहा है और उठ चुका हूँ मैं, और आपसे एक गुड न्यूज़ शेयर करनी है। वैसे भी आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा, तो बात यह है कि हमें कांडा महोत्सव में भी काम मिला है। वहाँ पे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का काम मिला हमको। जैसे हमको कमशार महोत्सव में बुकिंग मिली थी, वैसे ही हमें कांडा महोत्सव में भी मिल गई। 2-3 दिन पहले ही मिल गई थी, बट अभी कंफर्मेशन दे रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि इस बीच काफ़ी बैकअप बन गया था ब्लॉग्स का, तो मैंने कहा फटाफट उनको ब्लॉग अपलोड करता हूँ, उसके बाद फिर कांडा महोत्सव से स्टार्ट करूँगा। तो आज है कांडा महोत्सव का पहला दिन, आज से कांडा महोत्सव स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले कलश यात्रा निकलेगी आज सुबह 8:30 बजे से, तो जो कि ऊपर गुलजुगे मंदिर से निकलेगी रामला ग्राउंड तक, तो वहाँ से हमने स्टार्ट करना है काम। हाथ मुँह धो के चाय पी के बैठा हूँ मैं अभी, बस डेटा कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि आगे वीडियो बनाने के लिए भी फ़ोन में स्पेस चाहिए ना, इसीलिए तो फ़ोन खाली कर रहा हूँ मैं। और अभी थोड़ी देर में जब नितेश आएगा उसके बाद चलेंगे तैयार यार होके पड़ाव की ओर, पड़ाव से कैमरा वगैरह लेके तब हम आएंगे गोलजू के मंदिर में, वहाँ से फिर काम स्टार्ट करेंगे। वैसे अभी तैयार यार होके हम लोग निकल पड़े, नितेश भी आ गया था और मास्क भी पहन लिया है क्योंकि फिर से कोविड के केसेस मिल रहे हैं, तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऑर्डर किया है कि सब लोग मास्क पहनो, तो इसीलिए आप सबसे भी रिक्वेस्ट कि मास्क जरूर पहनो, ठीक है, जब भीड़ भाड़ में आ रहे हो। वैसे जब भी घर से निकल लो तो मास्क पहनो, जैसे कि नितेश भी पहन रहा है। नितेश इधर दिखाओ जरा फेस भाई, ये तो चल पड़े हम लोग पड़ाव की ओर। पड़ाव जाना है, वहाँ से सामान उठा के फिर गोलजू के मंदिर आना है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कलश यात्रा और अपना काम। पंकु प्रोग्राम के लिए तैयार हो रही है। पंकु का रैबिट बुनो आ दो, भागता नहीं है, मेरे पास आ ही नहीं रहा है, काटेगा हाँ वो नहीं काटता, पकड़ में ही नहीं आ रहा वो। हेलो, खरगोश से आ जा रही है, दांत दिखा दो, दांत ने देखो भाई, तूने देखा खरगोश ने, ये देखो ठंड लगी इसको, ठंड, गाजर खाता है, दबा के गाजर। तो फिलहाल हम पहुंच गए निर्मला के यहाँ, डेटा वगैरह जो भी बचा हुआ था कॉपी करना वो कॉपी हो चुका है, अब सारा सामान पैक करते हैं और फिर चलते हैं मंदिर की ओर सामान वामान लेके। शिशु मंदिर वाले जाने लगे, ये किसी टाइम हम भी जाते थे यार, ऐसी झांकी होती थी तो शिशु मंदिर में पढ़ते थे जब हम लोग, इनसे पहले हमने मंदिर पहुंचना होगा। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं गोलजू के मंदिर में, यहीं से स्टार्ट होगी कलश यात्रा, कुछ लेडीज आना भी स्टार्ट होगी, तो सारे पहले यहाँ इकट्ठा होंगे फिर यहाँ से स्टार्ट होगी। तो आगे का ब्लॉग जो है मैं इस कैमरे से कंटिन्यू करूँगा, तो उसमें मैं कुछ बोलूँगा नहीं, डायरेक्ट वीडियो दिखाऊँगा, ठीक है। तो फिलहाल मंदिर में पहुँच गए हम, जो है वो गोलजू का। Thank you.
मनीष जा, ये पहाड़ी मनीष आठ केदारनाथ धाम है गरे और ये हम पहुंच गए रामला ग्राउंड में और ये रहा स्टेज इस बार का। थोड़ी देर में अभी प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएंगे।